हेलो फ्रेंड्स, आई एम उद्देश्य त्यागी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से मैं भी एकदम ठीक हूं और आज मैं जा रहा हूं मेरठ, बिकॉज मैं आप सबको अपनी लाइफ दिखा ही रहा हूं। तो डेफिनेटली आज भी मैं व्लॉग बनाऊंगा और आज मैं मेरठ अपने किसी पर्सनल काम से जा रहा हूं। सो चलिए मेरे साथ बने रहिए और आज मैं आपको मेरठ दिखाऊंगा। मेरठ में मैं द सॉप्रिक्स मॉल, आई थिंक द ग्लिट्स मॉल भी उसे कहते हैं, तो वहाँ भी जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मेरठ में पहुंच चुका हूं। मैं जहां काम था मुझे, मैं वो कर चुका हूं। सो गाइस, जिस काम से मैं गया था उसी में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। अभी 2:30 बज रहे हैं तो मैं एकदम से यहीं आ चुका हूँ द सॉप्रिक्स मॉल, बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा। सो बस मैं अपना काम खत्म करके एकदम से डायरेक्टली यहीं पहुंच चुका हूँ। या देख सकते हैं, अभी हम एंटर कर चुके हैं। सो ये आप देख सकते हैं, होली का मौका है बिकॉज। सो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है आज, नहीं तो कोरोना के बाद काफ़ी कम हो गया था, लेकिन अभी वापस से नॉर्मल हो रहा है ऑब्वियसली सब कुछ। एंड ये आप देख सकते हैं, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा हुआ हूँ। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर से व्यू। एंड ये इधर आई थिंक बैग लगे हुए हैं, कुछ समथिंग बैग, हाँ या बैग ही हैं। ये आप देख सकते हैं बैग्स, लेडीज बैग हैं आई थिंक। एंड चलिए अभी ऊपर चलते हैं। एंड अभी हम पहुंच चुके हैं ये सेकंड फ्लोर पर, ये आप देख सकते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कांच के विंडो टाइप में कुछ लगे हुए हैं। ये बाहर से काफ़ी अच्छा व्यू आता है, ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये अभी चलते हैं, सबसे ऊपर है आई थिंक, लास्ट है ये। और ये मेरा मॉल का मोस्ट फेवरेट पार्ट, थिएटर। ये आप देख सकते हैं, आई लव थिएटर, आई लव मूवीज़। मैं देखता था उस दिन भी, लेकिन उस दिन मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं देख पाया। द कश्मीर फाइल्स उस दिन लगी हुई थी, लेकिन मैंने बाद में देखी है, लेकिन उस दिन मैं नहीं देख पाया था, ऑब्वियसली टाइम नहीं था। ये आप देख सकते हैं द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद में लोग निकलते हुए, बहुत अच्छी मूवी है गाइस। एंड अभी हम रेस्टोरेंट में पहुँच चुके हैं, यहाँ पर मैंने डोसा खाया, बड़ा टेस्टी बना था। अगर आप यहाँ पर आएँ तो ज़रूर खाएं, मुझे बेहद पसंद है वैसे डोसा। अभी आगे चलते हैं, चलिए। एंड अभी हम आ चुके हैं सबसे नीचे, ये आप देख सकते हैं। एंड ये बर्गर किंग, यहाँ पे बिल्कुल मन नहीं था मेरा, बिकॉज मैंने डोसा खाया हुआ था तो मैंने नहीं खाया अभी।
सो फ्रेंड्स, अभी 3 बज चुके हैं, अभी मुझे भागना पड़ रहा है बिकॉज लेट हो रहा है. सो चलिए अभी चलते हैं. एंड आई होप आपको पसंद आया होगा ये जो मैंने दिखाया. बाकी मैं कभी फिर आऊँगा और पूरा डीपली आपको दिखाने की कोशिश करूँगा. लेकिन आज भी दिखाया है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डीप में नहीं जा पाए हम. तो चलिए अभी चलते हैं. ये देखिए मैं बाहर निकलते हुए, ये अभी हम पहुंच चुके हैं बस स्टॉप. देख सकते हैं मेरठ का बस स्टॉप. अभी हम यहां से मुजफ्फरनगर के लिए बस देखते हैं. और अभी मुझे बताया है कि मुजफ्फरनगर के लिए उधर मिलेगी, तो हम अभी उधर चलते हैं. सो फ्रेंड्स, बस अभी मुझे बस मिल चुकी है. मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. जो अच्छा लगा वो कमेंट कीजिएगा. एंड जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, प्यार बांटें, मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों को टाइम दें, जो मर्जी वो करें, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, और किसी का दिल ना दुखाएं, और हमेशा मुस्कुराते रहें. जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.